व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर, वेलकम टू स्ट्रगल और फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है यार ये। और अभी एक दिन पहले मैंने आप लोगों को इसका उदाहरण भी दिया था। कौन सा उदाहरण? मैंने कहा था ना, हमारे एक फैमिली मेंबर का अभी रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है, तो उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम रही जिससे होकर वो गुजरी और उसके बाद में उन्होंने सिलेक्शन लिया। तो यही बात बोली गई है, जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। जो इंसान ये बोल रहा है ना, मेरे नसीब में नहीं था, मेरा नसीब खराब था या मेरे नसीब की वजह से चीजें नहीं हुई, वो नसीब को नहीं इनडायरेक्ट वे में वो अपने आप को ये तसल्ली दे रहा है कि हाँ ये चीजें इसलिए नहीं की गई, दूसरे के ऊपर ये चीजें डालने की कोशिश कर रहा है, जो कि अपनी नाकामियां है उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। जिंदगी में अगर कुछ अचीव करना है तो अगर आप लोगों ने एक बार 110% देने की सोच ली तो वही कोई ऐसी चीज है ही नहीं है जो आप लोग अचीव ना करें। हमेशा वही चीज आप लोग अचीव नहीं कर पाएंगे जिसमें आप लोग पूरा 110% ना दें, जिसमें कहीं और भी आप लोग का दिमाग रग रहा होगा, कुछ ना कुछ और भी साइड में कुछ कोई दूसरा काम चल रहा होगा, कोई और भी चीज आप लोग का दिमाग जो है वो कुपाई कर रही होगी। वही एक ऐसी चीज है जब आप लोग अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर 110% आप लोग अपना एक ही चीज पर फोकस लगा देंगे तो वो इतना ज्यादा ताकतवर काम करेगा कि आप लोग बिना रुके बिना टूके उस चीज को अचीव कर लोगे और कोई भी आप लोगों के रास्ते में नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का खुद ही है। ये जितनी जल्दी एक्सेप्ट आप लोग कर लोगे उतनी ही जल्दी आप लोगों को चीजों को समझने में और काम को करने में आसानी हो जाएगी। डेली दो वीडियो आती है। अगर आप लोग नए मेंबर हैं एसएलवी फैमिली के साथ में, अभी नए नए कनेक्ट हुए हैं, तो आप लोगों को ये दो वीडियो डेली अगर देख पाते हैं आप लोग तो कंप्लीटली आप लोग करंट अफेयर कवर हो जाएगा। इवन आप लोगों का निबंध, आप लोगों की आंसर राइटिंग सारी चीजें कवर हो जाती हैं और कई सारे आप लोगों के इंटरव्यू क्वेश्चन भी आप लोग कवर हो जाते हैं। एथिक्स का भी कुछ पोर्शन आप लोगों को कवर हो जाता है जो आप लोग क्वेश्चन देता हूं, तो ये सारी चीजें आप लोगों की कवर हो जाती है अगर ये दोनों वीडियो आप लोग रेगुलर देखते हो तो। पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर ले करो, सारी एक जगह इकट्ठी मिल जाएंगी। और इवन 2 महीने की जो अब तक रिविजन की वीडियो बनाई है उसकी भी टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, अब हमारी फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करने वाली है, तो अच्छे से आप लोग शानदार तरीके से बिल्कुल सही मोड के साथ में बैठ जाइए। अगले लगभग 40 से 45 मिनट आप लोगों को मेरे साथ में बने रहना है, टकटकी लगाकर आप लोगों को लेक्चर को एंजॉय करना है। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ते हैं कोशिश करो इनका आंसर देने की, अगर नहीं आंसर दे पाओगे तो वीडियो के अंदर इन सबको मैं डिस्कस करूंगा ही काफी डिटेल में। तो ये कम से कम आप लोगों के सामने 10 से 11 टॉपिक जो होते हैं वो कवर हो जाते हैं डेली रेगुलर आप लोगों के, तो इनको अच्छे से देखकर चलो। और डेली ये शानदार टॉपिक होते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, तो इसलिए आप लोग इनको अच्छे से सुना करो थोड़ा और इनको समझने की कोशिश किया करो। रटना नहीं है, करंट अफेयर कभी रटने की चीज नहीं होता है। अगर आप लोगों ने रटना स्टार्ट कर दिया तो आप लोग दबकर मर जाओगे उस करंट अफेयर के नीचे, ठीक है? तो रटना नहीं है, समझना है, ओके? तो एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले बोला गया कि हमारी कंट्री में से अभी राइस यानी कि चावल जो है वो एक्सपोर्ट यानी कि बेचा जा रहा है किसी दूसरी कंट्री के लिए, वो कंट्री कौन सी है उसका नाम आप लोगों को बताना है। और ये चावल कौन सा है? ये है रेड राइस, यानी कि लाल रंग का चावल है ये। लाल रंग के चावल कितने ऐसे फैमिली मेंबर है जिसने आज तक खाए हैं या फिर देखे भी हैं? तो वो नहीं कहते कि हाथ खड़ा करो, ठीक है? तो हाथ खड़ा नहीं करना है, नीचे ये लिखना है अगर आप लोगों ने देखे हैं तो। बाकी इसके बारे में बात करेंगे। जो ये रेड राइस होते हैं ना, ये आयरन रिच होते हैं, यानी कि अगर ये चावल आप लोग खाओगे तो आप लोग के अंदर लोहे की कमी नहीं रहेगी, आप लोग आयरन मैन बन जाओगे, ठीक है? यानी कि आप लोग के अंदर भरपूर मात्रा में आयरन की क्वांटिटी अवेलेबल रहेगी, तो आप लोगों को दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये जो चावल उगाए जाते हैं ये बिना जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसको यूज किए बगैर उगाए जाते हैं। तो हमारी कंट्री में कहां पर उगाए जा रहे हैं जिसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, तो पूरा डिटेल में टॉपिक डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज मत होइएगा। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहां पर अभी रिलीज किया गया फाइनल म्युनिसिपल ये परफॉर्मेंस इंडेक्स? अगर थोड़ा सा भी आप लोग कॉमन सेंस यूज करेंगे यहां पर, तो ये म्युनिसिपैलिटी जो होती है वो किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड होती है, तो ये हिंट है एक तरीके से आप लोगों के लिए, तो इसको आप लोग देखिए। नेक्स्ट बात की जा रही है केवीएस के बारे में, जो फैमिली मेंबर केवीएस से पढ़े हैं वो बताइए। हाँ, हम लोग केवीएस से पढ़े हैं, ये उनके लिए नहीं है, ये फुल फॉर्म उनको बतानी है जिनको केवीएस से नहीं पढ़ाई की है जिन्होंने, और जिनको पता नहीं है केवीएस के बारे में, और जो नॉर्मली अपने लोकल बोर्ड से पढ़े हैं, ठीक है? तो उनको केवीएस के बारे में बताना कि केवीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। 1962 में यहां पर ये जो बेसिकली बनाए गए थे स्कूल, और ये उन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए बनाए गए थे जो यहां पर बार बार ट्रांसफर किए जाते हैं, ताकि उनके बच्चों की जो एजुकेशन है वो अनइंटरप्ट न हो सके, यानी कि बच्चों की एजुकेशन कंटिन्यूअसली चलती रहे, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उनके लिए ये केवीएस बनाए गए थे, तो केवीएस की फुल फॉर्म बतानी है। जो पढ़े उनको नहीं बतानी है, जो नहीं पढ़े उनको बतानी है, जो पढ़े उनको तो यस लिखना है, हाँ हम पढ़े हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसको आईसीसी आप लोग बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा अभी इन्वेस्टिगेशन करने की बात की जा रही है किसके? पैलेस्टीन के लिए। तो पैलेस्टीन जानेंगे कहां पर है मैप में, और इसी के साथ में
कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके द्वारा इसको ऑक्यूपाई किया गया, काफी बड़ा फलस्तीन का ये रीजन, तो इसके खिलाफ यहां पर इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेगी। पहले ये इन्वेस्टिगेशन होने वाली थी, पहले अगर बात करें तो यहां पर बराक ओबामा साहब के द्वारा इस चीजों को सपोर्ट किया गया था, बाद में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो सारे काम खेल अलग ही डायरेक्शन में पहुंचा दिया। अब जो बाइडन आ गए हैं, जो कि 46वें प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, और वो ह्यूमन राइट को लेकर काफी सख्त कैटेगरी के इंसान में कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो अभी इसके बारे में जानेंगे आखिर क्या क्या दिक्कत रही पास्ट में, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं कि फलस्तीन जैसी कोई कंट्री है तो उनको तो इंटरेस्टिंग लगेगी ये न्यूज काफी ज्यादा है, ठीक है। बात की जा रही है यहां पर हिमालयन सीरो के बारे में, तो हिमालयन सीरो जो है ये अभी स्पॉटेड है, इसको देखा गया है, एक टाइगर रिजर्व है यहां पर, कहां पर इसका टाइगर रिजर्व का नाम बताया गया है और ये कहां पर लोकेटेड है, जब आप काफी लंबे समय बाद हिमालयन सीरो को देखा है, तो हिमालयन सीरो कैसा है, बकरी जैसा एक आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक जानवर जिसको आप लोग देखोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। आगे बात करते हैं यहां पर CRCL, CRCL जो है ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड हमारी कंट्री में एक बॉडी है, तो ये किसके अंडर में आती है, एक तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। फिलहाल अभी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है रीजनल कस्टम लेबोरेटरी के तौर पर, यानी कि हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन को जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है उसका छोटा सा एक पार्ट माना गया है एशिया पैसिफिक के लिए, यानी कि एशिया और पैसिफिक वाले रीजन में, जिसको इंडो पैसिफिक भी कई बार बोला जाता है, उस वाले रीजन में अगर कल को कुछ भी बात करनी है तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी इस लेबोरेटरी के थ्रू यहां पर काम करेगी, जो कि एक रीजनल कस्टम लेबोरेटरी इसको बताया गया है। तो ये हमारी कंट्री की एक बॉडी है, ये किसके अंडर आती है ये भी आप लोगों को बताऊंगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2021 ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है, इसका नाम है UNCTAD, तो इसकी फुल फॉर्म बताना जिसको पता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप लोगों को लेक्चर में देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल उन्हें कहते हैं कि पेटी बांध लो, बिल्कुल शानदार तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं और बिल्कुल टकटकी लगाकर लेक्चर देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, तो क्या न्यूज है, बड़ी ही प्यारी न्यूज है, हमारी कंट्री में नए और KVS आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनको बोलते हैं केंद्रीय विद्यालय, ठीक है। तो ये जो केंद्रीय विद्यालय है हमारी कंट्री में, जो यूनियन मिनिस्ट्री है, जो कि एजुकेशन जिसको आप लोग बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पहले इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर बोलते, पहले सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ इसको ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट बोलते थे, यानी कि इंसानों को जो रिसोर्स बनाकर उनका डेवलपमेंट करना है, फिर इसका नाम एजुकेशन कर दिया, तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा भी बोला गया है। दो नए KVS खोले जाएंगे, ठीक है, ये जो नए KVS है यहां पर, एक तो खुलेगा कर्नाटक में और दूसरा खुलेगा पंजाब के अंदर में, तो टोटल हमारी कंट्री में KVS की जो संख्या है वो यहां पर 1247 हो जाएगी, यानी कि ऑलरेडी हमारी कंट्री में 1245 KVS हैं, अब 1247 KVS हो जाएंगे इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से। KVS जो है यहां पर, इसको केंद्रीय विद्यालय आप लोग बोलते हैं, ये सेंट्रल स्कूल है और ये यहां पर स्टेब्लिश किया गया था हमारी कंट्री में 1962 यानी कि 1962 के टाइम पर। बेसिक पर्पज इसका ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी लोग काम करते हैं उनके बच्चों की अनइंटरप्टेड ये एजुकेशन कंटिन्यू रह सके, क्योंकि बच्चों को कभी कहीं उनके पापा को कभी या मम्मी को अगर काम करते हैं, कभी कहीं ट्रांसफर किया गया कभी कहीं, तो उनकी एजुकेशन जो कंटिन्यूअसली चलती रहे, तो ये दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। यहां पर केंद्रीय विद्यालय जो यहां पर संगठन है, यहां पर ये रजिस्टर किया गया एज ए सोसाइटी, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है हमारी कंट्री में 1965 का, उसके तहत इसको रजिस्टर किया गया। और केंद्रीय विद्यालय जो है यहां पर, ये इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा यहां पर, ये आप लोगों को कंफ्यूजन में डाला जा सकता है, आप लोग क्वेश्चन दे देगा नॉर्मली एग्जामिनर बोलेगा कि केंद्रीय विद्यालय जो है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर आता है, ठीक है बिल्कुल सही है, गलत है तो बताइए। दूसरी स्टेटमेंट देगा केंद्रीय विद्यालय ओनली इंडिया के अंदर लोकेटेड है, तो ये ऐसा नहीं है, केंद्रीय विद्यालय आप लोगों को अब्रॉड में भी देखने को मिलेंगे, इनके विदेशों में भी देखने को मिलेंगे, तो ये इंटरेस्टिंग है यहां पर ये, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बन जाती है। इसी के साथ में ये कंप्लीटली जो फाइनेंस किए जाते हैं यहां पर, ये जो बेसिकली संगठन है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस करती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल कंट्रोल में ये कंप्लीटली आप लोग इनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी और प्यारी सी न्यूज थी, पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के बारे में बात की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर यहां पे कौन है मिनिस्टर एजुकेशन में, यह है निशांक पोखरियाल साहब, यहां पर मिनिस्टर कौन है आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है, एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर ये क्या, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिनिस्ट्री कौन है, क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं आप लोगों को इनके बारे में, ऐसा कभी नहीं कोई क्वेश्चन पूछेगा, हल्का अगर छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं उनमें कई बार पूछ ले जाते हैं, पर लेकिन अगर आप लोग किसी गजेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, उनमें कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पर पता होना चाहिए कम से कम आप लोगों को यार ये चीजें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को इन चीजों के अवेयर, एक तरीके से अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं यहां पर, अभी हमारी कंट्री में जो म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो म्युनिसिपैलिटी की बात करें तो कौन सी मिनिस्ट्री आएगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर आएगा, तो इसके द्वारा अभी यहां पर फाइनल रिलीज किया गया ये इंडेक्स।
तो इसमें बोला गया कि जो मिलियन प्लस यानी कि 10 लाख प्लस कैटेगरी वाली जो सिटी है तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो 10 लाख प्लस कैटेगरी वाली और इसी के साथ में लेस देन मिलियन यानी कि 10 लाख से नीचे जो यहां पर पॉपुलेशन वाली सिटी है तो उनके बारे में अगर बात करें तो इंदौर जो है वो यहां पर हाईएस्ट रैंक निकल कर आई, इसी के साथ में फॉलो की गई सूरत के द्वारा और नेक्स्ट भोपाल के द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखेगा यहां जो इंदौर है ये कहां पर, ये मध्य प्रदेश के अंदर है, भोपाल भी मध्य प्रदेश के अंदर है और सूरत जो है वो गुजरात के अंदर है। तो ये सबसे टॉप पर यहां पर निकल के आई है अगर जो म्युनिसिपैलिटी के द्वारा जो परफॉर्म किया गया है। जैसे पूछो ना आप लोगों से अगर गांव वाले एरिया में आप लोग रहते हैं कि पंचायत सबसे बेस्ट तरीके से कौन सी पंचायत काम कर रही है, तो ऐसी कौन सी म्युनिसिपैलिटी सबसे अच्छे से काम कर रही है उसके बारे में बात की जाती है। लेस देन 1 मिलियन की कैटेगरी में न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल देखने को मिलेगी। आप लोग बोलेंगे सर न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल वो भी 1 मिलियन से नीचे? जी हां, क्योंकि इसको अलग-अलग डिवाइड करके यहां पर देखा जा रहा है, उसके बारे में अभी आप लोगों से बात करूंगा। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर तिरुपति और इसी के साथ में गांधीनगर, तो ये बेस्ट देखने को मिलेगी 10 लाख से नीचे की कैटेगरी में। आखिर यहां पर बात की जा रही है जो म्युनिसिपैलिटी जो दिल्ली वाली की, तो देखिए एनडीएमसी जिसको नेशनल दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल आप लोग बोलते हैं, इसको सेपरेट किया गया 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में, तो अलग अलग तरीके से इसको देखा गया है, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो टोटल मिलाकर जो परफॉर्मेंस निकाली गई हमारी कंट्री में 111 म्युनिसिपैलिटी है, कितनी है 111 म्युनिसिपैलिटी, जिसमें से 10 लाख से ऊपर की जो है इंदौर सूरत और भोपाल वो टॉप पर रही है, और जो 1 मिलियन से इनके 10 लाख से नीचे की हैं वो है न्यू दिल्ली तिरुपति और गांधीनगर। ठीक है, तो ये याद रखना। इसी के साथ में यहां पर 5 जो वर्टिकल है जिन पर इनको चेक किया गया है, इनमें इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, सर्विस कैसी प्रोवाइड कराई जाती है इन म्युनिसिपैलिटी के अंदर, फाइनेंस की स्ट्रक्चर कैसी है, ये डेफिसिट में तो नहीं चल रही है, पॉलिसी का मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, टेक्नोलॉजी को कितने अच्छे से यूज किया जा रहा है, और इसके साथ में यहां पर गवर्नेंस कैसी है यानी कि जनता के लिए किस तरीके से चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है उसको लेकर क्या क्या यहां पर कोई ऐसा तो नहीं कंप्लेन चलती रहती है ढंग से काम नहीं करते हैं, तो वो सारी बातें देखने को मिलेगी। तो ये याद रखना इसके बारे में। बाकी थोड़ा सा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में आप लोगों से बात की थी, तो यहां पर ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसको 1985 में बेसिकली फाउंड किया गया था और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है, और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लिटरेसी ये इसी के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो ये केंद्रीय विद्यालय जो संगठन जिसको केवीएस बोलते हैं उसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। चलिए जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था उसका भी आंसर आप लोगों के सामने यहाँ पर, ये टोटल मिलाकर आप लोगों के सामने जो सिटीज हैं उनके नाम है 20 सिटी हैं आप लोगों के सामने हमारी कंट्री की। तो यहाँ पर जो इंदौर है, सूरत है, भोपाल है, ये तो मिलियन प्लस कैटेगरी में है यानी कि 10 लाख से प्लस कैटेगरी में है, और पॉपुलेशन लेस देन मिलियन यानी कि 10 लाख से जो नीचे है ये उनके नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 लाख से ऊपर की 3 और 10 लाख से नीचे की 3 के कम से कम नाम याद रखेगा। बाकी अगर इनसे जो नीचे नाम लिखे हुए हैं इनमें से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोग देख लेना, वरना 3 आप लोगों को याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर जो है ये हरदीप सिंह पुरी साहब के अंडर में आती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट जो बात है जिसको 1952 यानी कि 1952 में बनाया गया था। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए जरा, हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई गई। ठीक है, तो ये जल मिनिस्ट्री या जल शक्ति मिनिस्ट्री आप लोग बोल सकते हैं, तो ये कब बनाएगी हमारी कंट्री में ये आप लोगों को बताना है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं आप लोगों के सामने। यहां पर ये लाल रंग के चावल आप लोग देखिए, अब देखिए किस किसने खाए हैं लाल रंग के चावल। देखो मैंने तो नहीं खाए आज तक, ठीक है, पर्सनली बता रहा हूं मैंने इनको नहीं खाया आज तक, तो किस किसने खाए हैं और खाने में क्या टेस्ट चेंज लगता है ये जरूर बताना, फिर उसके बाद में ट्राई करेंगे। वो नहीं कहते अगर लगेगी कोई पहली बार चीजें खा रहे तो पहले दूसरे को खिला के देख लेना चाहिए तो मतलब मजाक कर रहा हूं, किसने खाए क्योंकि काफी अच्छे हैं सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो। इसी के बारे में यहां पर ये न्यूज है, एक सेकेंड रुकिएगा, एक लाइन जो है यहां पर नीचे चल रही है, एक मिनट रुकिएगा इसको, एक सेकेंड, ये नीचे अब आ गई ऊपर। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे पहुंच गई थी क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओके, अब यहां पर इसके बारे में बात करते हैं। चलिए पहले नीचे वाली न्यूज देख लेते हैं यहां पर। अभी हमारी कंट्री के द्वारा जो चावल एक्सपोर्ट किए गए किसके लिए, ये किए गए यूएसए को। तो यूएसए में लोग जो है वो काफी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है क्योंकि पहले उन्होंने अपनी हेल्थ काफी बिगाड़ ली। मैक्सिमम जो मोटापा आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी लार्ज स्केल पर यूएसए के अंदर देखने को मिलेगा, और वो है टेक्नोलॉजी की वजह से। कहीं जाना है तो गाड़ी में जा रहे हैं, थोड़ी दूर जाना है तो अपनी बाइक लेके जा रहे हैं, अभी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाना है तो घरों में भी बहुत सारे लोग हैं, पैसा इतना है वहां पर लिफ्ट लगा रखी है, तो एक्सरसाइज के नाम पर बिल्कुल चीजें खत्म हो चुकी हैं। वो नहीं है, बिल्कुल एक तरीके से टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। और हमारी बॉडी क्या बोलती है, हमारी बॉडी बोलती है जितना भी मेहनत आप लोग इसके ऊपर करोगे उतनी ही ये चमकेगी, उतनी ही ये निखरेगी। इसीलिए बोलते हैं कि दिन में कम से कम आप लोगों को एक बार अपनी बॉडी में से पसीना जरूर निकालना चाहिए अगर आप लोग अपने आप को हस्तपुष्ट रखना चाहते हैं। ठीक है,
रेड राइस जो है यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट है, खासकर अगर बॉडी के पॉइंट ऑफ से बात करें तो आयरन रिच काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर ये, और खासकर रेड राइस जो इनको बोला गया है। तो ब्रह्मपुत्र जो वैली है आसाम के अंदर में वहां पर ये उगाए जाते हैं और बिना केमिकल फर्टिलाइजर के, तो इनका प्राइस भी ज्यादा देखने को मिलेगा, सीधी सी बात है। तो राइस की जो वैरायटी उनको रेफर किए जाते हैं इसको बायो बायो धान, ठीक है, तो इसको बायो बी ए ओ, तो बाओ या फिर बायो नहीं बेसिकली बाओ बोलेंगे आप लोग, बी ए ओ जिसे बाबू सोना मोना, ठीक है, तो बाओ, ठीक है, तो बाओ बोलिए इसको, धान के नाम से इसको पुकारा जाता है। तो ये आसामीज फूड की कैटेगरी का एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। बेसिकली जो राइस है यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट है, खासकर किसानों की इनकम को डबल करने में जो ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन के अंदर रहते हैं। देखिए हमारी कंट्री में अगर हम लोग इस तरीके से चीजों को चूज करना स्टार्ट कर देना, हम लोग बोले अच्छा यार इस एरिया में ये चीज ना काफी अच्छे से उगाई जाती है, तो वहां पे किसानों को सपोर्ट करें कि वो एरिया में जो उसके एनवायरमेंट के लिए अच्छी है वो चीजें उगानी स्टार्ट कर दें, ठीक है, वहां पर उसके हिसाब का पानी भी है, वहां पर उसके हिसाब की मिट्टी भी है, तो वहां पर वो उस चीज को उगाना स्टार्ट कर दें, तो उससे आसानी भी रहेगी, उनको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और इनकम भी अच्छी खासी मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कश्मीर में केसर के बारे में बात करते हैं जिसको रिसेंटली अभी जेटेक का दर्जा दिया गया है, तो वो अच्छा है, अगर और भी एरिया में उसको कश्मीर के अंदर उगाते हैं तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर APEDA, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो ये यहाँ पर काम करती है, जब यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से कैलिब्रेट करना है, किस तरीके से सामान ले जाकर बेचना है, तो ये बेसिकली इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, यानी कि ये जो बॉडी है इसका नाम है APEDA, तो फुल फॉर्म भी आप लोगों से इसकी कई बार पूछ ली जाती है, ठीक है, तो ये इसके बारे में हल्का सा आप लोग याद रख सकते हैं अगर इसके बारे में बात की जाए तो। एक और इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में अगर आप लोगों से बातें की जाए कि कई बार पूछ लिया जाता है अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, तो एग्रीकल्चर एंड जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट जो डेवलपमेंट ये अथॉरिटी है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आती है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसके बारे में। और इसके अंदर एक बॉडी है जिसका नाम है यहाँ पर राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम, तो जिसके चलते यहाँ पर ये काम किया गया, तो राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम जो है वो एपिडा के अंदर में आती है और ये जो है ये किसी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो ये याद रखना है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आती है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये कई बार याद करते हैं, कई सारी बॉडी पूछ लेंगे आप लोगों से, और बॉडी पूछने के बाद में बोल देंगे बताओ ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है अगर वो बॉडी बहुत ज्यादा न्यूज में है तो, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे तो आप लोग आसानी से आंसर दे पाएंगे। यहां पर बात की जा रही है सेबी के बारे में जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी के द्वारा यहां पर अभी क्लियर किया गया जो कॉर्पोरेशन एंड जो डिपॉजिटर होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है, तो उनके चलते जो मैकेनिज्म है ताकि फ्रॉड को रोका जा सके इसके अंदर या फिर कोई गलत काम हो रहा है उसको रोका जा सके, तो उसके चलते यहां पर ये काम किया जा रहा है। तो इसके चलते ये यहां पर मैनेजिंग जो डायरेक्टर है और चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर है मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के, ठीक है, तो उनको यहां पर बेसिकली ऑब्लिगेट किया जाएगा कि जो फ्रेम करना है कोड या फिर जो कोड ऑफ कंडक्ट रहता है जिसके हिसाब से काम करना होता है उस मैकेनिज्म को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, यानी कि कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अगर कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा, तो ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, तो ये बात की जा रही है इसके बारे में। आइए अब आगे बढ़ते हैं, तो ये तो थी न्यूज आप लोगों के सामने, अब कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज डिटेल में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में हम लोग समझेंगे, थोड़ी बड़ी बड़ी न्यूज रहेगी तो अच्छे से सुनिएगा, अगर किसी ने नहीं सुनी है न्यूज तो वो और अच्छे से सुनिएगा, और किसी ने सुन रखी है पहले थोड़ी बहुत उसके बारे में चीजें तो उसका रिविजन हो जाएगा, वो भी अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज है यहाँ पर आप लोगों के सामने और इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ये अगर आप लोग मैप देखेगा, अगर इस मैप को आप लोग ढंग से देखेंगे तो ये मैप आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या क्या कंडीशन है आज के डेट में। पैलेस्तीन के बारे में अगर बात कीजिए, पहले ऐसा था पैलेस्तीन और फिर ऐसा हो गया और आज के डेट में ये कंडीशन हो चुकी है। ये मैप उनके लिए है बेसिकली जिनको ये नहीं पता कि आज के डेट में चल क्या रहा है पैलेस्तीन के अंदर में, तो उसको समझने के लिए आप लोग ये वाला मैप एक बार देखें, आप लोग तब और ज्यादा अच्छे से यहां पर समझ पाएंगे। 1946 में इज़राइल नाम की कोई कंट्री नहीं था, 1947 तक जो था ये जो वाइट है ये सारा इज़राइल हो चुका था, और यहां पर फिर इसको रिकॉग्नाइज भी कर लिया कि इज़राइल नाम की कोई कंट्री है, फिर यहां पर ये पैलेस्तीन जो है ये ग्रीन कैटेगरी में रह गया, और आज की डेट में इज़राइल जो है वो यूएसए की सपोर्ट या फिर दूसरी कंट्री की पावरफुल सपोर्ट से ऐसा हो चुका है कि पैलेस्तीन का अस्तित्व खत्म कर दिया है और पैलेस्तीन बस दो पार्ट में सिकुड़ कर रह गया है, और वो भी पूरा नहीं है, उसमें भी इज़राइल घुस चुका है अंदर। पैलेस्तीन में एक हो गया गाजा स्ट्रिप जो कि आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, और दूसरा हो गया यहां पर क्या वेस्ट बैंक जो कि आप लोग इसको देख सकते हैं। वेस्ट बैंक के पास में यहां पर जेरूसलम देखने को मिलेगा, ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है जहां पर बोलते हैं इसराइल हमारी कैपिटल है और पैलेस्तीन बोलता है हमारी कैपिटल है, तो दोनों धर्म के लिए काफी इंपोर्टेंट मानी जाती है। तल अवीव ये है इसराइल के अंदर में जो कि पहले इसकी जो बेसिकली हमारी कंट्री की एम्बेसी भी है यहां पर, तो ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, ठीक है। तो जो गाजा स्ट्रिप है यहां पर इसको कंट्रोल करता है हमास ग्रुप, ये याद रखना है थोड़ा सा क्रिटिकल ग्रुप है, यानी कि गुस्से वाला ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप की कैटेगरी इसको दी जाती है कई बार, और ये जो इसको कंट्रोल करता है वेस्ट बैंक को फतेह, तो फतेह कंट्रोल किया जाता है वेस्ट बैंक के द्वारा। ये थोड़े से मॉडरेट टाइप के हैं, यानी कि विश्वास रखते हैं बातों से प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने में, हथियार वगैरह नहीं उठाते हैं, तो इसको इसलिए मॉडरेट माना जाता है।
है। तो यहां पर ये दोनों ग्रुप के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर जो ये पैलेस्तीन से ये पैलेस्तीन बन गया, तो यहां पर बहुत सारे लोग जो है वो रिफ्यूजी बन चुके हैं आसपास वाले एरिया में, जैसे सीरिया हो गया, हालांकि सीरिया में भी कंडीशन अच्छी नहीं है, वहां कौन जाकर रहेगा, जॉर्डन हो गया, या फिर आप लोग देखिए इधर इजिप्ट हो गया। तो लोगों ने अपनी जान बचा बचाकर वहां से निकलना स्टार्ट किया और इधर उधर पूछे काफी लार्ज स्केल पर। तो अभी इंटरनेशनल जो क्रिमिनल जो कोर्ट है उसके द्वारा बात करें तो उसके द्वारा बोला गया कि इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा इस चीज का, जो ये हरकतें यहां पर की जा रही है इजराइल के द्वारा, तो इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली कंडीशन क्या है और कहां कहां पर क्या क्या सिचुएशन बनी हुई है। तो ये बात इनके द्वारा बोलेगी। तो उसी के चलते अभी यहां पर जो इसराइल ने जो भी यहां पर आज के दिन में चीजें ऑक्यूपाई कर रखी है, तो उसको यहां पर इन्वेस्टिगेट करने के बाद में पता चलेगा कि क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है, और उसके बाद में फिर ये डिसीजन देंगे। तो कहने का मतलब है कि ये इसराइल के लिए एक तरीके से गलत इंडिकेशन आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसराइल के लिए सही नहीं है और पैलेस्तीन के लिए थोड़ा अच्छा आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो देखिए हुआ क्या था, एक हिस्ट्री में अगर आप लोग थोड़ा सा जाएंगे, यह 1967 की बात, 1967 में यहां पर जो भी सारा जो अरब वर्ल्ड है, अरब वर्ल्ड में जो भी कंट्री आती है मैक्सिमम मुस्लिम डोमिनेटेड जो कंट्री है, उनके द्वारा इकट्ठा होकर बोला गया कि इसराइल को पकड़कर पीटेंगे। तो ये 1967 में ये वॉर हुई, पर लेकिन इसराइल के पीछे तो बेसिकली हाथ था यूएसए का, तो इनकी औकात नहीं बनी कि इसको यहां पर दबा सके। तो इसराइल ने सबको पकड़ पकड़ कर पीटा। तो उस टाइम पर जब इसने सबको पकड़ पकड़ कर पीटा, तो इंसान जो है जब ताकतवर होता है तो वो दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो इसराइल ने क्या किया, इसराइल ने काफी अच्छे तरीके से जो पड़ोसी देश था सीरिया उससे गोलान हाइट छीन लिया, ठीक है, सीरिया से गोलान हाइट छीन लिया उसने, वेस्ट बैंक और जो ईस्टर्न जो जेरूसलम है वो यहां पर छीन लिया जॉर्डन से, सनाई पेनिनसुला इसी के साथ में गाजा स्ट्रिप दो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, ये सारी छीनी गई यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में, ये इजिप्ट से छीन लिया गया। यानी कि बहुत सारी ऐसे रीजन थे जो अलग अलग थे, ये सारे किसने अपने कंट्रोल में ले लिए, ये इसराइल ने अपने कंट्रोल में ले लिए। जब इन्वेस्टिगेशन यहां पर एक्सपेक्ट की जा रही है 2014 से जो गाजा वॉर यहां पर देखने को मिली, 2018 से बॉर्डर जो क्रैश दोनों के बीच में देखने को मिला, काफी लंबे समय से यहां पर वेस्ट बैंक में भी इनका सेटलमेंट नहीं चल रहा ढंग से, तो बहुत सारे ऐसे रीजन है जहां पर दिक्कत चल रही है। तो इसके चलते यहां पर इसको एनालिसिस किया जाएगा। तो एनालिसिस कौन कर रहे हैं यहां पर, तो ये आप लोगों के सामने एनालिसिस कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है यहां पर ये काम किसके हिसाब से करते हैं, द रोम स्टैट्यूट, स्टैट्यूट मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इनका जो बेसिकली संविधान बनाया गया, इसका जो काम करने का तरीका बनाया गया, उसको ट्रीटी को एस्टेब्लिश किया गया। तो फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया कहां पर, यह है नीदरलैंड हेग के अंदर, ठीक है, जिसको हेग है, अच्छा हेग को जो नीदरलैंड है पहले इसको किस नाम से पुकारा जाता है, नॉर्मली कई बार बोलते हैं आप लोगों ने सुना होगा एच से वो नाम है, आप लोग बताइए जरा। तो यहां पर ये जो बात की जाती है इसके अंदर, यहां पर बेसिकली अगर कोई ऐसी कंडीशन है जैसे जिनोसाइड हो गया, बहुत सारे लोगों को मार दिया, वॉर क्राइम हो गया, वॉर चल रही है वहां पर कुछ ऐसे तरीके से बहुत सारे लोगों की जान चली गई, ठीक है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जैसे कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है, श्रीलंका में भी कई सारी हरकतें ऐसी की गई, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं लड़ाई के टाइम पर, ये बोलते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई होगी तो बहुत सारे लोगों को मार डाला पकड़ गए, ठीक है, तो ये सारी कंडीशन जो होती है ये कई बार इसका फायदा उठाया जाता है। तो इस तरीके का ये वॉर क्राइम जो होता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो केस फिर पहुंचते हैं यहां पर इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उसके अंदर में, तो फिर ये देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है, और ये उसको रोकने की कोशिश करते हैं ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी हरकतें नहीं देखने को मिले। अगर कंट्री में कोई लीडर ऐसा कर रहा है तो उसके ऊपर कई तरीके से सैंक्शन लगाने की कोशिश इनके द्वारा की जाती है ताकि आगे ऐसी हरकतें न हो। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, ये अगर इंडिया के अंदर कुछ ऐसी हरकतें होती हैं तो इंडिया जो है वो इसका पार्ट नहीं है। इसी के साथ में जो यूएसए है और चाइना है वो भी इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, गोलान हाइट जो है इनके द्वारा 1967 में अपने कब्जे में ली गई, फिर इसको कंप्लीटली एनेक्स कर लिया, बोला गया कि ये हमारा पार्ट है, 1981 में बोल दिया कि हमारा पार्ट है, जिसको जो खाना है वो खा लो, हम इसको किसी को नहीं देंगे। और रही सही कसर जो थी, वो एक पागल इंसान आए इस दुनिया में एक प्रेसिडेंट बनकर 2016 में उनके द्वारा सारी चीजें हिला दी होते डोनाल्ड ट्रंप साहब, उसने बोला कि जेरूसलम भी है और गोलन हाइट भी है, दोनों इसराइल का पार्ट है, यानी कि ऐसा लग रहा है ये सही है, मतलब पार्ट किसी और का, जा किसी और के पास में रहा है और दे कोई और रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि हमने जेरूसलम और गोलन हाइट जो है वो किसको दे दी, इसराइल को दे दी, तो आज से ये इसराइल का पार्ट है। तो यहां से आप लोग अब अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हरकतें इनके द्वारा की गई है, ठीक है। तो बड़ी प्यारी सी न्यूज थी बैकग्राउंड के साथ में आप लोगों को बताई, मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में कोई डाउट होना चाहिए। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज जो है वो नेशनल लेवल की न्यूज है। ये बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो नए आईटी रूल लेकर आए हैं उनके बारे में। तो आईटी जो रूल लेकर आए जा रहे हैं, न्यू आईटी रूल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, 2021 के रूल। तो यहां पर ऑब्जेक्ट किया जा रहा है कि ये प्राइवेसी जो है उसको भी हनन करेंगे और कई सारी और भी बातें की जा रही है। तो ये इंटरमीडिएटरी को लेकर रूल यहां पर निकल कर आए हैं।
इससे पहले अगर बात करें हमारी कंट्री में, एक आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था हालांकि इसके बारे में बात करें, तो हमारी कंट्री में 2015 में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में बात करेंगे। श्रेय सिंघल वर्स, आप लोगों ने सुना होगा, वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस, तो याद रखिएगा, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कराया था ये टेलीग्राम पर भी, तो वहां पर जो चीजें ऐसी प्रोवाइड कराता हूं तो इंपॉर्टेंट होती है, उनको आप लोग जरूर एक दो बार टेलीग्राम पर नजर डालकर देख लिया करें, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केस जो था उसमें बोला कि सेक्शन 66A जो है यहां पर, ये 66A जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, वो बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि यहां पर लोगों को सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, आर्टिकल 19 फ्री स्पीच नहीं रहता उनका, और राइट टू लाइफ भी उनकी नहीं रहती है, तो इस तरीके से ये सही नहीं है, तो इसको यहां पर उनके द्वारा स्टक डाउन कर दिया गया, बोला ये यूज नहीं करोगे। पर लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब भी कई बार यूज होता हुआ नजर आता है। तो सोशल मीडिया हो गए, इंटरमीडिएटरी हो गए, इंटरमीडिएटरी बोला जाता है जैसे फेसबुक हो गया, तो फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, आप लोग जाकर अपना अकाउंट बनाते हैं और अपने दोस्तों के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। यूट्यूब भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म है, मैंने एक SLV नाम की यहां पर एक परिवार बनाया और आप लोगों के साथ में सब आप लोग यहां पर जुड़ गए और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, आप लोग पढ़ते हैं, बेसिकली ये प्लेटफॉर्म है यहां पर, ठीक है। तो भी एक इंटरमीडिएटरी हो गया, ये ऐसा नहीं है कि यूट्यूब मेरा है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं कल को कोई ऐप बनाता हूं, ठीक है, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। वेबसाइट कोई बनाई जाती है, नॉर्मली क्या होता है, मान लो मैंने कहीं जमीन ले ली, ठीक है, कहीं जमीन ले ली मैंने 30-40 बीघे और वहां पर जाकर मैंने एक प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर दिया कि यहां पर आकर पढ़ो, तो वो जमीन मैंने खरीदी, वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म मेरा होगा कंप्लीटली, कि हाँ अब ये यहां किसी का किसी में कोई इंटरफेयर नहीं है, कोई आकर कुछ नहीं बोल सकता है, ठीक है। तो वहां पर मैं कुछ ही करूं, किसी तरीके से बच्चों को पढ़ाऊं, चाहे कुछ भी हम लोग वहां पर करें, तो वो कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। पर लेकिन इंटरमीडिएटरी में यहां पर कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं जो आप लोगों को फॉलो करने होते हैं, यानी कि हद से बाहर नहीं जाना है, ठीक है, हालांकि हद से बाहर तो यहां भी नहीं जाना है, पर लेकिन यहां पर एक गरिमा बनाकर उस तरीके से रखनी है, क्योंकि ओपन है यहां पर ये। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, क्लास में जाकर बैठते हैं, तो जो टीचर रहता है उसके कंट्रोल में ज्यादा बच्चे रहते हैं। अगर ऑनलाइन आप लोग पढ़ते हैं तो कुछ मजे कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, कोई कैसे पढ़ रहा है, कोई कैसे पढ़ रहा है, तो वो डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऑनलाइन जो मीडियम है वो ज्यादा फ्रीडम देता है, आप लोग अपने हिसाब से जहां चाहे लेक्चर को रोक सकते हैं, वहां पर आप लोगों का पढ़ने का मन नहीं कर रहा ऑफलाइन में, तो जो आप लोग उसको रोक नहीं सकते, चाहे आप लोग का पढ़ने का मन कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, वहां पर आप लोग उसको ये भी नहीं बोल सकते कि बार बार रिमाइंड कर दो इसको, आप लोग यहां पर लेक्चर को कितनी बार भी रिमाइंड करके देख सकते हो, तो ऐसा बोल सकते हो। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आप लोग को थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ता है, ठीक है। अब यहां पर कई सारी ऐसी बातें बोली जा रही है, जैसे कि इंटरफेथ मैरिज को लेकर या लव जिहाद को ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने कहीं पर कुछ लिखा और वहां पर इंटरफेथ मैरिज के बारे में लव जिहाद ये सारी चीजें देखने को मिली, तो वहां पर तुरंत आप लोगों को पकड़ लिया जाएगा, आप लोगों को सर्विलेंस में डाल दिया जाएगा और क्रिमिनलाइजिंग, ये बेसिकली एक तरीके से बोला जा रहा है इनके द्वारा कि देखिए आज की डेट में हम लोग ओपन है, इंडिपेंडेंट है, संविधान हम लोग को फंडामेंटल राइट देता है। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर बंदे ने बैठकर बात की, यार उसने ना इंटरफेथ मैरिज कर लिया, उन्होंने वो वर्ड यूज कर लिया, तो तुरंत आप लोग सर्विलेंस में आ गए। तो इसे माना जा रहा है कि पूरी जो एंटायर पॉपुलेशन है, अगर वो किसी टॉपिक के बारे में बात कर रही है, जो कीवर्ड आप लोगों ने डिसाइड कर लिए, तो इस तरीके से तो ऐसा होगा कि आप लोग उनको अपने सर्विलेंस में रख रहे हैं साहब को। ये किस तरीके से सही है कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो एंटायर अगर सिटीजनरी की आप लोग बात करेंगे, ये बेसिकली सस्पेक्ट में ला देता है उनको कि अगर कोई कुछ भी, भले ही वो मजे में उस वर्ड को लिख गया वहां पर, तो ये सही तरीका नहीं है। इस तरीके से आप लोग सबको सर्विलेंस में डालें अकॉर्डिंग टू जो न्यू रूल है यहां पर 2021, वो यहां पर कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया और इंटरमीडिएटरी जो प्लेटफॉर्म है उनको भी ये बोल रहे हैं कि जो इंक्रिप्शन आप लोगों ने कर रखी है उसको तोड़िए। यानी कि अगर किसी ने कोई हैशटैग कंटेंट करके कोई चलाया और वो यहां पर ये बताते हैं कि पहले किसने चलाया, किसने पोस्ट सबसे पहले शेयर करी, तो उसको भी ये यहां पर बेसिकली सर्विलेंस करने की बात करते हैं। जबकि वो ये बोलते हैं कि ये इनक्रिप्टेड है, यानी कि हम भी इसको नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसे बोला जाता है यहां पर व्हाट्सएप के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा ये अगर आप लोग यूज करते हैं, तो यहां पर बोला जाता है कि अगर यहां से कोई डेटा सेंड कर रहे हैं ए पर्सन और बी को कोई सेंड कर रहे हैं, उसको हम भी नहीं पढ़ सकते, वो यहां पर ये पढ़ सकते हैं, पढ़ सकता है। तो यहां पर ये हमारी गवर्नमेंट यहां पर ये बोल रही है कि इसको डी इनक्रिप्ट करो, अगर इनके द्वारा कुछ ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं जिसको इंटरफेथ मैरिज के बारे में बात करें या लव जिहाद के बारे में बात करें, जो भी कीवर्ड इन्होंने रख रखे हैं, तो उनको ट्रैक किया जाता है इनके द्वारा। तो इसी के चलते ये सारे इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म ये बोल रहे हैं कि भाई साहब हम लोग जाने इसीलिए जाते हैं ताकि हम लोग किसी की प्राइवेसी में हनन न करें, वो क्या बातें कर रहे हैं, हम लोग को ये इस तरीके से इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। और यहां पर सब लोग भी यही बोल रहे हैं क्योंकि हमारी कंट्री में अब तक भी कोई ऐसा प्रॉपर रूल नहीं आया गया जिसको बोलते हैं ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये ड्राफ्ट की कैटेगरी में अब तक ये बिल नहीं बना है, तो इसलिए हमारी कंट्री में कोई रोक टोकने वाला भी नहीं है। तो ये डेटा को इस तरीके से जो आप लोग यूज कर रहे हैं तो ये गलत तरीका है। डेटा मिनिमाइजेशन के बारे में अगर बात करें, तो एक डेटा को इस लेवल पर ले जाना कि बस हम ही इसको जानेंगे और किसी को नहीं पता होना चाहिए, ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में डेटा होना चाहिए, तो वो वाली कैटेगरी डेटा मिनिमाइजेशन होता है। तो ये इस तरीके से चीजों को लेकर चलना ये सही नहीं है, ठीक है। तो इसके चलते अंडरमाइन किया जाएगा एक तो ओपन और एक्सेस इंटरनेट जो है वो एक तरीके से ओपन एक्सेस नहीं रह जाएगा, फंडामेंटल राइट प्राइवेसी का हनन होता हुआ नजर आएगा आप लोगों को, खासकर अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है उसके अंदर ये चीजें रखी गई है, तो ये सही नहीं होगा। इसी के साथ में पर्टिकुलर अगर बात करें डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी नहीं है, तो उसके चलते भी दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को फोकस देकर चलनी चाहिए और इनका सॉल्यूशन निकले तो फिर आगे आकर बात कर लेना।
बाकी ये सारे तो चीजें आप लोगों को बताइए, जिसको नहीं पता है उसको बता दो। हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट बनाया गया केस पुत्ता स्वामी केस के बाद में, जो कि हमारी कंट्री में 2017 में केस आया, तो केस पुत्ता स्वामी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस था जिसके चलते प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट बन गया हमारी कंट्री में। आर्टिकल 21 के तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा प्राइवेसी, जो कि पार्ट थर्ड में आता है, क्योंकि फ्रीडम की भी गारंटी आप लोगों को दी जाती है आर्टिकल 19 के तहत, आप लोगों को सारी फ्रीडम मिलती है। तो आर्टिकल 19 आप लोग याद रखिएगा, और आर्टिकल 19 का जो पार्ट टू है वो रिस्ट्रिक्शन के भी बारे में बात करता है कि आप लोगों की फ्रीडम ऐसी नहीं है कि आप लोग दूसरों की फ्रीडम में तबाही मचा दो, आप लोग का हमारा तो फंडामेंटल राइट है, जिसको चाहे उसको थप्पड़ मार दे, जिसको चाहे उसको गाली दे दे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, दूसरे के भी फंडामेंटल राइट है, तो एक तरीके से बैलेंस बनाकर रखना है। पता चला आप लोग का फंडामेंटल राइट इस तरीके से यूज कर रहे हैं, सोसाइटी में अनरेस्ट फैला दिया, लोग लड़ रहे हैं आपस में, किसी के धर्म में रिलीजन में जाकर इंटरफेयर कर दिया, तो वो सारी चीजें नहीं होनी है, ठीक है, तो ये बैलेंस बनाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर, ये बात की जा रही है स्टेट के बारे में, और यहाँ पर जो न्यूज निकल कर आ रही है ये बात की जा रही है एक पर्टिकुलर जानवर के बारे में, और किस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड है, ये है मानस टाइगर रिजर्व। तो अगर आप लोगों से पूछे कोई मानस टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो मानस टाइगर रिजर्व जो है ये आसाम के अंदर लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट है इसके बारे में याद रखिएगा, मानस टाइगर रिजर्व आसाम के अंदर लोकेटेड है, और यहाँ पर हिमालयन सीरो को स्पॉटेड किया गया, यानी कि देखा गया है। तो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा यार हिमालयन सीरो क्या है, एक बार इसको दिखा दो। तो हिमालयन सीरो एक ऐसा जानवर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि इसको कई तो गधे जैसी आकृति का बोलते हैं, कई इसको बकरी जैसी आकृति का बोलते हैं, तो यहां पर इसके दो सिंह देखने को मिलते हैं, इसका बेचारे का एक सिंह गायब है, अगर देखना चाहते हैं आप लोग तो यहां पर देखें, तो ये इसके दो सिंह है, ठीक है, इसके अगर पिक्चर दूसरी देखना चाहते हैं आप लोग ये देखिए, ठीक है, तो कोई इसको बोलता है गधा नुमा आकृति का है, कोई बोलता है बकरी नुमा आकृति का है, तो ये यहां पर नॉर्मली नहीं देखा गया था, फिर से इसको स्पॉटेड किया गया, तो इसकी वजह से यहां पर न्यूज में आ गया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, हिमालयन सीरो जो है ये एक तरीके की सब स्पीसीज है, जो हिमालयन सीरो जो नेटिव हिमालयन रीजन में पाया जाता है, कॉमन नेम इसको हिमालयन सीरो के नाम से जानते हैं, वैसे इसको यहां पर कैप्रिकोनिस और इसी के साथ में सुमित्रानिस जो थार के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो किसका साइंटिफिक नेम है, लोकल नेम इसको बोले यहां पर जिंगल बैल, सुना होगा ना आप लोगों ने, तो जिंगल या फिर येमू के नाम से भी इसको जाना जाता है। कई सारे लोग इसको गोट की तरीके से बोलते हैं, और कई सारे लोग इसको यानी कि गधे जो बेसिकली होता है उसके तरीके का आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो IUCN की जो लिस्ट है उसमें इसको थ्रेटन की कैटेगरी में रखा गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों से ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं, और UPSC ऐसे क्वेश्चन से बड़े प्यार करती है, ठीक है, आप लोगों से कि IUCN के बारे में आप लोगों को बोलेगी कि अगर कोई भी दे देंगे तो बोलेंगे क्या क्या है इसके अंदर, क्या लिस्ट है, ठीक है। तो IUCN के बारे में अगर बात करें, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि नेचर को कंजर्व करने की बात करते हैं IUCN वाले। तो यहां पर इसका हेडक्वार्टर IUCN का स्विट्जरलैंड के अंदर में है, ठीक है, तो ये इस एरिया में आप लोग काम करते हुए नजर आते हैं। नाम भी देखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि नेचर को कंजर्वेशन करने का ये काम करते हैं, ताकि नेचर को ढंग से कंजर्व किया जा सके, तो ये इनका पर्पज भी रहता है। और इसी के चलते यहां पर अगर बात करें, तो नीचे एक टर्म लिखी हुई है, इसके बारे में भी कई बार आप लोगों से पूछ लिया है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये लिखा हुआ है CITES, इसको बोलते हैं यहां पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको बेसिकली देखा जाता है किस फील्ड में, जहां पर इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है, यानी कि कोई ऐसी स्पीसीज जो इंडेंजर्ड है उसको देखा जाता है। तो इसके चलते इसमें फ्लोरा और फ्यूना दोनों आते हैं, यानी कि पेड़ पौधे और पशु पक्षी दोनों आते हैं। तो ये यहां पर NX1 में रखा गया, ये Appendix 1 में रखा गया, और थ्रेटन्ड की कैटेगरी में आता है नियर थ्रेटन्ड IUCN की लिस्ट के हिसाब से, जिसका नाम है हिमालयन सीरो, ठीक है। तो इसको अभी स्पॉटेड किया गया है, ये कहां पर स्पॉटेड किया गया, इसी के पास में, ये मैंने आप लोगों से न्यूज़ पहले भी डिस्कस की थी, रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये मंदारिन डक, जो मंदारिन डक है काफी कलरफुल डक है। यहां पर इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो सुंदर सी जो आप लोगों को डक यानी कि बत्तख देखने को मिल रही है, ये मेल डक है, और ये जो आप लोगों को ये डार्क कलर की जो डक देखने को मिल रही है ये फीमेल डक है। जो इसकी जो मेल डक है वो इतनी सुंदर है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सुंदर मेल डक का खिताब इसको मिला हुआ है। तो ये मंदारिन डक है, जिसको अभी फरवरी में स्पॉटेड किया गया, और ये मैंने आप लोगों की जो फरवरी की जो रिवीजन की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों से कवर किया था, ठीक है। तो यहां पर अभी जो आगे आप लोगों की जब मार्च की रिवीजन की वीडियो आएगी तो उसमें भी आप लोगों का रिवीजन करा दूंगा। यार देखिए आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर आप लोग आज के दिन में ढंग से अगर थोड़ा सा भी अगर फोकस देकर चलेंगे ना, स्टार्टिंग में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे, फिर आप लोगों से वीडियो डिस्कस की न्यूज, उसके बाद में आप लोगों को फिर से वीडियो के एंड में आप लोगों से रिवीजन करा दिया, एक ओवरव्यू आप लोगों का करा दिया, इसके बाद में अगले दिन पास्ट का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया, इसके बाद में पूरी वीडियो आप लोगों के सामने आ रही है, तो भाई साहब 6 बार तो एक महीने के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज पढ़ा दे रहा हूं, ओवरव्यू आप लोगों को दे दे रहा हूं। इसमें अगर थोड़ा सा एक बार आप लोग खुद भी देख लेंगे PDF डाउनलोड करके, तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में अगर अभी आप लोग इनको भूल जा रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि डंडा लेकर बैठना चाहिए, और वो नहीं कहते कि वो नहीं जो मिल्खा सिंह वाली मूवी थी कि टुई जो है पीट पीट कर लाल कर देनी चाहिए अगर अभी आप लोग भूलते हो तो, ठीक है। कम से कम यार इतना तो देखोगे कि कितना लार्ज स्केल पर सारी चीजें आप लोगों को बताई जाती है, तो फिर अब नहीं भूलना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये, तो अब तो आप लोगों को सिलेक्शन लेना ही चाहिए फिर, ठीक है, अगर यहां पर करंट अफेयर जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगर बात करें यहां पर इसके बारे में, तो कलरफुल है यहां पर ये, इसी के साथ में यहां पर यह है मगुरई, मगुरई और मोटापुंग,
ये बेसिकली वेटलैंड एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि दिब्रू दिगरी सिकोहो जो नेशनल पार्क है कहां पर है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कहां पर है, तो दिब्रू सिकोहो नेशनल पार्क कहां पर है, आसाम के अंदर में है। ये 118 साल बाद देखी गई है यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में आसाम के अंदर। 118 साल पहले इसको देखा गया था आसाम के अंदर, तो आप लोग समझ सकते हैं काफी दिनों बाद देखा गया, तो पता नहीं किससे मिलने आया, कौन मिलने आया और क्या किया गया, जो भी है ये न्यूज याद रखना ठीक है। प्यारी न्यूज है काफी हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग बात करें, बात की जा रही है इंटरनेशनल जो बेसिकली इकोनॉमी के बारे में न्यूज, और इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोग इसको देख सकते हैं। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड में जो कस्टम एक्ट होते हैं उनके ऊपर ध्यान देती है। कस्टम क्या होता है बेसिकली, कस्टम ड्यूटी का नाम आप लोगों ने सुना है। जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो बेसिकली अगर बाहर से कोई प्रोडक्ट हमारी कंट्री में आ रहा है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगी जो बाउंड्री के बाहर जा रहा है। एक्साइज जो ड्यूटी लगती है अपनी ही कंट्री के अंदर जो भी चीजें बनाई जाती है उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी आप लोगों को देखने को मिलती है ठीक है। तो हमारी कंट्री में जो सेंट्रल रिवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी है जिसको CRLC बोलते हैं, फिर से सुन लीजिए, सेंट्रल रिवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी दिल्ली के अंदर में है यहां पर। ये किसके अंडर में आती है, आती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जो इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट के पास में जाते हैं। बिस्किट भी अगर आप लोग खरीद रहे हैं आज के टाइम तो टैक्स पे कर रहे हैं, आप लोग पेन खरीद रहे हैं तो टैक्स पे कर रहे हैं, कॉपी किताब खरीद रहे हैं तो टैक्स पे कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो गवर्नमेंट के पास में जाते हैं। इस बॉडी को रिकॉग्नाइज किया गया रीजनल कस्टम लेबोरेटरी, यानी कि सेंट्रल रिवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी को रीजनल कस्टम लेबोरेटरी बनाया गया, किसका, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का। किस रीजन के लिए, एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। तो एशिया पैसिफिक रीजन में अगर कोई भी कुछ दिक्कत होगी तो हमारी कंट्री की इस बॉडी से पूछेगा, कौन पूछेगा, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। तो इसके चलते यहां पर जो RCL है ठीक है, यानी कि रीजनल कस्टम जो लेबोरेटरी है, CRL जो कि बेसिकली सेंट्रल रिवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी है, वो एक तरीके से यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं ग्रुप को एक कस्टम लेबोरेटरी के तौर पर। और इस रीजन में ऑलरेडी यहां पर दो कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, जापान और कोरिया, तो जापान और कोरिया के साथ में हम भी यहां पर एड हो गए हैं। सेंट्रल रिवेन्यू कंट्रोल जो लेबोरेटरी यानी कि CRCL जो है हमारी कंट्री में उसको एस्टेब्लिश किया गया था 1939 में, यानी कि अंग्रेजों के जमाने का जेलर आप लोग बोल सकते हैं, उससे पहले से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक बॉडी है हमारी कंट्री में जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी यहां पर टेस्टिंग के लिए, रिवेन्यू लेबोरेटरी के तौर पर एक तरीके से फास्टर क्लियरेंस किया जाए चीजों का, जल्दी से जल्दी जिस जिस भी चीज का बिना कोई प्रॉब्लम रखे, बिना कोई कॉम्प्रोमाइज किए लॉ को इन्फोर्स किया जाए ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड के लिए। अगर कोई ट्रेड हमारी कंट्री के साथ में कर रहे हैं तो खासकर रूल और रेगुलेशन उस कंट्री के काफी इंपॉर्टेंट है जो प्रॉपर वे में फॉलो करने चाहिए, वरना दिक्कत देखने को मिलती है, तो इसके बारे में भी यहां पर प्रॉपर वे में चीजें की जाती हैं ठीक है। इसके चलते अगर मॉडर्न कस्टम लेबोरेटरी के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बात की जाती है, कंट्रोल ट्रेड एरिया जोन को जो डिप्लीटिंग हो रहा है उसको बेसिकली रोकने की कोशिश की जाती है, इंडेंजर्ड स्पीशीज के प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं ठीक है, इसी के साथ में कंट्रोल करते हैं जो डेंजरस गुड हैं जैसे कि पेस्टिसाइड वगैरह हो गया, उन्हें बोलते हैं। आज की डेट में अगर आप लोग देखिए, जो मैंने एक मूवी शेयर की थी आप लोगों को, मैंने बताया भी था, एक मूवी शेयर की थी मैंने टेलीग्राम पर ठीक है, जो रिसेंटली अभी इसी चीज के ऊपर बनाई गई है, दूध में जो आप लोग दूध पी रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें मिलाई जाती हैं, जो ब्रेड है आज के डेट में, जो आज के डेट में अगर आप लोग दुकान पर जाते हैं तो हमेशा कुछ भी सामान लेते हैं ना, दवाई भी लेते हैं, कोई ब्रेड लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, नमकीन लेते हैं, एक बार उसका चेक कर लीजिए उस पर डेट क्या है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, क्योंकि एक्सपायरी डेट के बाद में वो सामान आप लोगों को नहीं खाना चाहिए। अगर एक्सपायरी डेट के पास में आप लोग वो सामान खाएंगे तो पहले तो आप लोग इस इंसान को पैसा देंगे जिसे सामान खरीद कर ले रहे हैं, फिर आप लोग डॉक्टर को पैसा देंगे और अपनी सेहत को बर्बाद करेंगे। तो इसलिए एक्सपायरी डेट हमेशा चेक करिए और कोशिश कीजिए कि मार्केट में खासकर तला भुना सामान मत खाइए, वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा उस मूवी का। उसमें ये बोला गया कि जो बड़े बड़े होटल हैं वहां से उसको तेल को यूज करके फिर पुराने होटलों में सप्लाई कर दिया जाता है, जो आप लोग खाते हैं ना समोसे और ये चाट भल्ले दही भल्ले ये सारी चीजें जो मिलाकर आप लोग खाते हो दबाकर, तो ये सारी चीजें जो है ये एक ऐसे ऑयल में पकाई जाती है जो कि पहले कई बार यूज हो चुका होता है और ये बॉडी में कैंसर क्रिएट करने का काम करती है। इसीलिए बहुत सारे लोग आज के दिन में हमारी कंट्री में कैंसर और हार्ट अटैक के बीमार हैं, क्योंकि रहना सहना खाना पीना यार पहले भी यही लोग थे ना, पहले भी यही चीजें खाई जाती थी, पहले प्योरिटी उनके अंदर हुआ करती थी, आज की डेट में हर एक चीज में मिलावट है ठीक है। तो आज की डेट में अगर ये मिलावट जो है वो इंसानों के अंदर भी इतनी घुस चुकी है तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इनको सबको दूर करने की कोशिश की जाती है। तो मूवी का वो सेक्शन जो है जरूर देखना, लगभग 50-55 मिनट से स्टार्ट करना और आधे घंटे की मूवी है, ज्यादा नहीं देखने को बोल रहा हूं पूरी बैठकर, फालतू की है बाकी तो चीजें कई सारी, तो इतना जरूर देखना उसको, कई सारी चीजें समझ में आएगी और बच्चों के ऊपर भी आप लोग ध्यान रखना स्टार्ट कर दोगे फालतू की चीजें न खाए। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको 1952 यानी कि 1952 में एस्टेब्लिश किया गया, तो आगे कस्टम में कोऑपरेशन किया जा सके उसके लिए काउंसिल भी है यहां पर,
एक तरीके से कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल के तरीके से काम करती है, बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका मिशन ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर कस्टम से रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। टोटल मिलाकर 183 कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है अक्रॉस द ग्लोब, जिसे एक अभी हम लोगों ने अपनी कंट्री के बारे में बात की, तो टोटल मिलाकर 98% जो वर्ल्ड का ट्रेड है वो इसके अंदर आ जाता है। ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट यानी कि सामान को बेचना और इंपोर्ट यानी कि सामान को खरीदना, और दो टर्म यूज की जाती है, ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड सरप्लस क्या होता है, ट्रेड सरप्लस होता है जब हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम होता है और इंपोर्ट ज्यादा होता है, यानी कि हम लोग फायदे में चल रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या हो गया, हम लोग बेच तो सामान ज्यादा रहे हैं, ठीक है, पर लेकिन खरीद कर कम लेकर आ रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो ट्रेड सरप्लस हो गया, यानी कि सामान खरीदना गलत माना जाता है और बेचोगे तो फायदा होगा, तो सरप्लस का मतलब है कि हम लोग ज्यादा बेच रहे हैं और खरीद कम रहे हैं। हमारी कंट्री मैक्सिमम ट्रेड डेफिसिट में रहती है, रीजन क्या है उसका, उसका रीजन ये, हम लोग जो ऑयल खरीद कर लेकर आते हैं ना 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, तो इसलिए हम लोग टोटल ओवरऑल में ट्रेड डेफिसिट में चले जाते हैं। पर कुछ कंट्री के साथ में ट्रेड सरप्लस में रहते हैं, जैसे यूएसए के साथ में हम लोग कई बार ट्रेड सरप्लस में रहते हैं, तो ट्रेड सरप्लस का मतलब होता है कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, खरीद ज्यादा रहे और बेच कम रहे हैं। चाइना के साथ में काफी ज्यादा हम लोग ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। बाकी अगर बात की जाए यहां पर, जो ये अभी इंडिया जो है वो यहां पर वाइस चेयर रीजनल हेड एशिया पैसिफिक जो रीजन का, जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का, यहां पर 2 साल के लिए है, जून 2020 से, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर में है। तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट अब होना चाहिए, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको चीर के पाड़ के खा जाना बिल्कुल कि हाँ यार ये तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखिए जब एग्जाम में जाकर बैठोगे ना, अगर मन लगाकर वीडियो को सुनोगे तो इस बात की गारंटी देता हूं कि एग्जाम में पेपर पढ़ते हुए आप लोगों को मजा आएगा, और तो और, ठीक है, तो सोल्व तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे, तो इसलिए मन लगाकर चीजों को किया करो। देखिए काम करना ही है, मान लीजिए आप लोगों ने मुझे 30 से 40-45 मिनट दे दी, ठीक है, उसके बाद में भी आप लोगों ने मन लगाकर वो काम नहीं किया तो फिर उसका मतलब क्या रह गया देने का, टाइम का टाइम दिया और उसके बाद में मन लगाकर नहीं काम किया, तो टाइम तो दे रहे हो ना, अगर ये तो टाइम ही मत दे तो वीडियो देखो ही मत, और फिर देखो तो मन लगा के देखो, ठीक है। तो जो भी काम करना है टॉप का करो, कहने का मतलब ये, ओके। तो अगर साइंस और टेक के बारे में बात करें तो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो रिपोर्ट है यहां पर ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो इंडिया जो है ये बिगेस्ट ओवर परफॉर्मर हो गया, यानी कि मैंने बोला आप लोगों को कि एग्जाम में आप लोगों को सिलेक्शन लेकर आना है, पर लेकिन आप लोगों ने तो टॉप कर दिया, तो इसको बोलते हैं भाई साहब कुछ ज्यादा ही एक तरीके सीरियस हो गए चीजों को लेकर, यानी कि प्रीलिम्स में भी टॉप मार दिया, प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग था, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, वहां तो बस नंबर नहीं जुड़े हैं, बाकी मेंस में दबाकर मेहनत करो ऐसा बोल सकते हो। तो यहां पर ओवर परफॉर्म हो गया, जिनमें इसको कम टारगेट दिया गया था वहां भी काफी ज्यादा काम करके चला गया, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके चलते हमारी कंट्री ओवर परफॉर्मर हो गई कई सारे एरिया में, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो यहां पर ये इनोवेशन है बेसिकली ये कई सारी एरिया से कनेक्ट कर बनाया जाता है, तो कुछ एरिया में काफी अच्छी हमारी परफॉर्मेंस रही। तो इसमें देखेंगे क्या क्या वो चीजें हैं, तो कई सारी इनइक्विटी वाली चीजें भी यहां पर देखने को मिलेगी, टेक्नोलॉजी कैसे कैसे है, क्या क्या यहां पर एक तरीके चीजें चल रही है, तो उनको भी एग्जामिन किया जाता है। बाकी अगर बात करें यहां पर इंटरनेशनल जो पॉलिसी है, इंस्टीट्यूट जो यहां पर बेसिकली बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट या फिर इंस्टीट्यूशनल जो रिफॉर्म है उनके ऊपर फोकस किया जाता है, किस तरीके से सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो सारी चीजें देखने को मिलती है, तो कई सारी चीजें यहां पर निकल कर आती है। तो इंडिया की जो एक्चुअल रैंक है वो तो है 43, पर लेकिन जो एस्टिमेटेड जो यहां पर वन बेसिस ऑन जो अगर बात करें पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर बात करें तो 108 हमारी रैंक देखने को मिलेगी। इंडिया जो है वो परफॉर्म कर रहा है काफी शानदार तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग इस पे ऊपर ज्यादा फोकस नहीं देते थे, बोलते थे यार बाहर से खरीद के ले आओ, क्या वही नहीं कि क्या मेहनत करनी है अपने नोट्स बना के मार्केट में मिलते रहे हैं, खरीद लो उनको। नोट्स एक ऐसी चीज है जो खुद से आप लोगों को बनाने चाहिए, कभी भी मार्केट से नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या चीज नहीं आती है और आप लोगों ने वो चीजें लिखनी है और वो चीजें पढ़नी है। किसी भी इंसान के द्वारा नोट्स बनाए जाते हैं अपने हिसाब से, तो दूसरे के नोट्स पढ़ना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, ठीक है। अपने नोट्स आप लोगों को पता होना चाहिए, हो सकता है वो चीज उसको ना आती हो, उसने वो लिख लिया आप लोगों को आती हो, सकता है वो चीज कोई कई सारी बहुत सारी चीज ऐसी है जो उसको आती है उसने ना लिखी और आपको नहीं आती है, आप लोग उसके नोट्स छोड़ोगे, तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमारी कंट्री में भी काम करते थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद से नहीं करते थे, सामने वाले से चीजें ले आते थे कि उन्होंने कर तो लिया मेहनत। इसी के साथ में बात करें जो सप्लाई के बारे में बात किया थे, अबंडेंस सप्लाई देखने को मिलेगी हाई स्किल्ड जो लेबर रिसोर्सेज की। हमारी कंट्री में जो सबसे अच्छी बात है, अंग्रेज रूल करके गए, उन्हें कहते हैं इसमें भी कुछ फायदा है, तो फायदा है इंग्लिश बोलने वाली पॉपुलेशन काफी ज्यादा आज के दिन में हमारी कंट्री में, जो हमको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एज देती है, दूसरी कंट्री के साथ में भी मिलकर काम कर पाते हैं। जो कंट्री है जैसे यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ये बेस्ट प्रिपेयर है फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के, कोई नई नई
टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर है ये कंट्री, जिसमें यूएसए, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम टॉप पर है। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी कौन सी है जो अगर आप लोग बोले, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया आज के में, बिग डेटा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 5G, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स हो गया, ड्रोन वगैरह, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी या फिर सोलर फोटोवोल्टिक वगैरह, जो लेटेस्ट आने वाले टाइम में अगर इस फील्ड में आप लोग घुस जाएं तो आप लोग एक प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री के अंदर घुस जाएंगे, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको UNCTAD बोलते हैं ना आप लोग, ये 1964 में एस्टेब्लिश किया गया था, चाइना ने हराया, उसके बाद में उनको जोश आया और ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बॉडी बना दी कि वर्ल्ड को आगे लेकर चलना है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। कुछ भी तेड़म बाद जाएगा याद रखना है, बस कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर बेसिकली काम ये करते हैं किस तरीके से प्रमोट करना है इनको डेवलपमेंट, जो फ्रेंडली इंटीग्रेशन है डेवलपिंग कंट्री के अंदर, ताकि वर्ल्ड की इकोनॉमी को इंप्रूव किया जा सके, तो ये इसका बेसिक पर्पज है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, और ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो कि आप लोगों को पता भी होनी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो वहां भी आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। सर्वे और रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, खुद के लिए तो ये इंपॉर्टेंट ही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। अगर आप लोग आगे चलकर जैसे कि शादी होती है, पेरेंट्स बनते हैं, तो आप लोगों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए, बच्चों के बारे में है बेसिकली। फर्स्ट वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग, यानी कि जो बच्चा पैदा होता है उसके बारे में अगर बात करें, उसके बारे में बेसिकली बताया गया है कि हमारी कंट्री में कितने, हमारी कंट्री में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने ऐसे लोग हैं जिनको सुनने में दिक्कत रहती है, तो रिपोर्ट ऑन हियरिंग सीधा क्वेश्चन बनेगा किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो कॉमन सेंस थोड़ी सी यूज करोगे तो जैसे कि हेल्थ के बारे में बात की जा रही है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहां पर काम करती है, ठीक है। रिपोर्ट जो है उसके द्वारा यह बोला गया कि काफी लार्ज स्केल पर कुछ ऐसी चीजें जिनको रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, एड्रेस किया जा सकता है, जो हियरिंग लॉस है, अगर उसके बारे में स्टार्टिंग में पता चला जाए तो स्टार्टिंग में हम लोग उसको हियरिंग केयर सर्विस के द्वारा चीजों को सुधार सकते हैं। नियरली 2.5 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड ऐसे हैं, यानी कि 1 in 4 पीपल ऐसे हैं जिनको किसी न किसी तरीके से जो हियरिंग, जो बेसिकली आगे आने वाले टाइम में लॉस देखने को मिलेगा 2050 तक का, तो यहां पर हियरिंग लॉस यहां पर देखने को मिलता है। 70 मिलियन जो है, यानी कि अगर बात करें इनमें से, वो ऐसे हैं जिनको आज के डेट में जो केयर रिक्वायरमेंट है, ईयर या फिर हियरिंग केयर से रिलेटेड बात की जा रही है, रिहैबिलिटेशन सर्विस रिक्वायरमेंट है, उनका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, पर लेकिन उनको कई बार इग्नोर किया जाता है, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसका इंपैक्ट जो पड़ता है आगे चलकर मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, ठीक है, एबिलिटी जो बेसिकली सस्टेन करने की उससे पड़ता है। जैसे जो मूवी मैंने आप लोगों को बोली थी देखने के लिए, उसमें जो लड़की रहती है उसको, लड़की को सूंघने में प्रॉब्लम रहती है, यानी कि उसको समझ में नहीं आता गंदगी क्या है, अच्छी खुशबू क्या होती है, वो उसको नहीं सूंघ पाती है। आप लोग सोचकर देखिए एक मिनट, जो आंखें आप लोगों को मिली हुई हैं, अगर एक टाइम के लिए अगर आप लोग आंखों को बंद करें कुछ टाइम के लिए, चीजों को देख ना पाए और इस तरीके से उन इंसानों के बारे में सोचे जो देख नहीं पाते हैं। सूंघने की बात करें, आप लोग अच्छे अच्छे सेंट डियो डालकर जाते हैं, अच्छे से आप लोग सब्जी की महक कैसी है, ये पनीर बना रखा आज तो मजा आ गया, ठीक है, इस तरीके से आप लोग चीजों को सूंघते हैं, वाह क्या मस्त खुशबू आ रही है चाय की, ये सारी चीजें आप लोग सूंघ पाते हैं, सोचे उस इंसान के बारे में सूंघ नहीं पाता है, ठीक है। तो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आप लोगों के पास में है, तो आप लोग कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए अपने आपको, यार रोते रहते हैं कई बार कि ये नहीं है, करोड़ों की बॉडी लिए बैठे हो भाई साहब, बेचो इसको मार्केट में जाके करोड़ों रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो इसको कभी भी कभी ये मत बोलो कि हमारे पास में दिक्कतें हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें जो बेसिकली इसके बारे में, तो ये बात की जा रही है तो मेंटल हेल्थ पर भी इम्पैक्ट डालता है और एबिलिटी पर भी बात करता है इंसान की, रिलेशनशिप पर भी यहाँ पर इम्पैक्ट डालेगा। कई बार आप लोगों ने देखा किसी इंसान को ऊंचा सुनता है तो उसकी मजाक उड़ाई जाती है, जो कि बहुत गलत, एक गंदी घटिया तरीके की आप लोग ये टेंडेंसी बोल सकते हैं। अगर किसी को चलने में दिक्कत है उसकी मजाक उड़ाई, देखने में दिक्कत है उसकी मजाक उड़ाई, सुनने में दिक्कत है उसकी मजाक उड़ाई, मत करना कभी भी ये काम, गलत है बिल्कुल, ठीक है। और बहुत सारे तरीके हैं मजाक करने के, चुटकुले सुनाने के, जोक सुनाने के, पर लेकिन पर्टिकुलर पर्सन की इन चीजों के ऊपर कभी मत करना। 27,000 चिल्ड्रन है हर साल इंडिया के अंदर जो होते हैं बहरे, यानी कि डेफ जो होते हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से सुनता नहीं है, ऐसे पैदा होते हैं हर साल। 27,000 बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनको सुनता नहीं है, तो इनको अगर स्टार्टिंग में ही पता चल जाए तो डायग्नोसिस किया जाता है, पर लेकिन कई बार माँ बाप जो रहते हैं वो इतने बिजी रहते हैं कई सारी चीजों में, अपने काम में, दुनियादारी में जो उनकी चलती रहती है, वो यहाँ पर इन चीजों पर कई बार गौर भी नहीं दे पाते हैं। तो बच्चा स्टार्टिंग में तो लगता है हाँ छोटा ही तो है, कुछ नहीं है, हो रहा होगा, पर लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं तो फिर यहाँ पर ये दिक्कतें होने लगती हैं। तो उसी के चलते यहाँ पर मैक्सिमम अगर फॉरेन कंट्री में आप लोग जाओगे तो नेशनल प्रोग्राम रहता है प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस, ठीक है, यानी कि जो सुनने की ये बीमारी है, जो सुनना सुनने की बीमारी है, तो उसको बेसिकली लेकर चला जाता है। और नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर भी यहाँ पर प्रिवेंट किया जाता है, क्योंकि ये अवॉइडेबल हियरिंग जो लॉस है स्टार्टिंग में अगर इसको समझ लिया जाए तो यह है नहीं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि अगर आप लोग पहली चीजों को समझ जाए तो सोल्यूशन आप लोग निकाल पाएंगे। तो न्यू बोर्न बेबी की स्क्रीनिंग प्रोग्राम होना चाहिए जैसे ही पैदा होता है, ताकि ये इसके बारे में पता रहे तो इसको एक तरीके से सुधारा जा सके, पर लेकिन लो अवेयरनेस है, इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। पहले तो इतनी सारी बीमारी होती है आज के टाइम में कि बच्चा पहले तो स्टार्टिंग में ही इनको बच्चा जो है वो कंसीव नहीं किया जा रहा है, उसके बाद में दुनिया भर की और प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो इसके चलते ये भूल जाते हैं बच्चा पैदा होते हैं कि ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, बस बच्चा पैदा हुआ है एंजॉय करते रहते हैं, तो उस चीज पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो वो भी ध्यान देने वाली बात है कि बच्चे को सुनता है या फिर नहीं सुनता है।
जो बात करें यहां पर यूनिवर्सल जो न्यू बोर्न हियरिंग स्कैनिंग है तो उसके बारे में बात की जाती है, तो इसको बोलते हैं अर्ली डिटेक्शन। जो अर्ली डिटेक्शन किया जाता है हियरिंग लॉस का, ताकि समझा जा सके न्यू बोर्न बेबी के बारे में, उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो इसके चलते जो UNHS है, स्क्रीनिंग जो मैंडेटरी है यहां पर डेवलप्ड कंट्री में, यानी कि जैसे यूएसए में जाएंगे, जापान में जाएंगे, साउथ कोरिया में जाएंगे, हमारी कंट्री में ओनली एक ऐसा राज्य है जहां पर केरला में, यहां पर ये बेसिकली हमारी कंट्री में मैंडेटरी इसको किया गया कि ये होना चाहिए, बाकी कहीं पर भी ये मैंडेटरी नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है थोड़ी सी, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में किसी को ज्यादातर पता होगा। इवन मैं अपनी बात करूं तो ये टेस्ट ऐसा कुछ होता है, पर्सनली बता रहा हूं यार, मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। आप लोग कितने जिनको ये पता था, मैंने जब ये न्यूज पढ़ी तो मुझे लगा कि यार इसको तो ढंग से बताना है कम से कम, ठीक है। तो कितने ऐसे फैमिली मेंबर जिनको पता था, आप लोग बताइए। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात की जा रही है, बांग्लादेश के बारे में न्यूज, हालांकि आप लोगों को पता है पर कई सारी न्यूज एक जगह इकट्ठी होकर आ गई, तो एक ओवरव्यू दे देता हूं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे बांग्लादेश विजिट कर रहे हैं, रीजन क्या है, मार्च के महीने में एंड में हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब यहां पर बांग्लादेश जाने वाले हैं, क्योंकि हमारी कंट्री के बांग्लादेश के रिलेशन को इंप्रूव करने की बात की जा रही है। 122 मेंबर की जो यहां पर हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस डे जो 72वां सेलिब्रेट किया गया, बांग्लादेश की फोर्स के मेंबर ने हमारी कंट्री में पार्टिसिपेट किया। क्यों? क्योंकि 50 साल पूरे हो गए थे उनकी आजादी के, जो कि पाकिस्तान से उनकी आजादी मिली थी 1971 में, ठीक है, ये याद रखना। इसके चलते जो बांग्लादेश है वो काफी इंपोर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, खासकर वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए काफी बड़ा रोल बांग्लादेश के साथ में हमारा प्ले किया गया। बांग्लादेश ने सबसे ज्यादा जो वैक्सीन परचेज की है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से, तो बांग्लादेश के द्वारा यहां पर परचेज की गई है। आप लोगों को दवाइयां फ्री में मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि दवाई फ्री है, यहां पर जो कंपनियां बेच रही है उसको दबा के फायदा हो रहा है। इसीलिए इंडिया में पांचवें नंबर पर जो सबसे ज्यादा अमीर आदमी है वो उसी कंपनी का मालिक है जिसको सीरम इंस्टीट्यूट आप लोग बोलते हैं। इंसान का नाम क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये जो चीजें आप लोगों को मिल रही हैं वो दवाई वो फ्री में है, गवर्नमेंट उसको पे कर रही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेड इन इंडिया वैक्सीन जो सबसे ज्यादा प्रोवाइड कराएगी 9 मिलियन ये डोज गए बांग्लादेश के पास में। पहले बोला जाता चाइना से खरीदेगा पर बाद में चीजें चेंज हो गई। दोनों कंट्री के बीच में कई सारी डायमेंशन देखने को मिलेगी, सिक्योरिटी, ट्रेड, कनेक्टिविटी, कल्चर, लोगों से लोगों का कॉन्टैक्ट, ज्वाइंट डेवलपमेंट, शेयर बाउंड्री, सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश। आखिर मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो देश तो हमारा ही था ना, पार्टिसिपेट एक तरीके से वो नहीं होता कि अलग अलग कंट्री हो गई, ठीक है, तो उसकी वजह से दिक्कत हो गई, वरना हमारा ही पार्ट था, ठीक है। इंडिया जो है उसके साथ में अगर बात करें यहां पर, तो इंडिया और बांग्लादेश जो है आज के डेट में, ये इसके द्वारा कांग्रेचुलेट किया गया इंडिया को बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश अभी लीस्ट डेवलप कंट्री में आ गया है। लीस्ट डेवलप कंट्री यानी कि जहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका फायदा होता है कई सारे, अगर ये कहीं प्रोडक्ट बेचेंगे अपना बनाकर तो इनको फायदा देखने को मिलेगा। तो इंडिया ने इसलिए बधाई दी है, बधाई हो भाई आप आगे आने वाले टाइम तक 2026 तक और अच्छी खासी कमाई आप लोग कर सकते हैं। बांग्लादेश जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर बात करें तो लिस्ट डेवलप कंट्री की लिस्ट में 1975 से बांग्लादेश जो है, हालांकि ये सारे फुलफिल करता है क्राइटेरिया डेवलपिंग कंट्री कैटेगरी में आने के, यानी कि हमारी जैसी कंट्री कैटेगरी में आने के, पर लेकिन फिर भी यहां पर बांग्लादेश जो है वो रिकमेंड किया गया यूएन के द्वारा लिस्ट डेवलप कैटेगरी में अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, ठीक है। चलिए जो भी अच्छी बात है, कोविड 19 ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया लिस्ट डेवलपिंग कंट्री कैटेगरी में डालने के लिए बांग्लादेश को, तो इंडिया ने बधाई दी कि बधाई हो तुमको फिर से लिस्ट डेवलपिंग का खिताब मिला है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है द्वारिका एक्सप्रेस वे के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में है, उनके द्वारा यहां पर इंडिया का फर्स्ट ग्रेडेड सेपरेट अर्बन एक्सप्रेस वे जो द्वारिका एक्सप्रेस वे बोला जा रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये फर्स्ट एवर एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे है इंडिया के अंदर में, जो कि यहां पर बेसिकली रिड्यूस करेगा एयर पोल्यूशन, कहां पर, ये यहां पर दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में। तो जो द्वारिका एक्सप्रेस वे है यहां पर, ये पार्ट है बेसिकली हमारी कंट्री में जो ट्री प्लांटेशन, ये अप्रोक्सीमेटली 12,000 करीब ट्री यहां पर लगाए जाएंगे। देखिए पेड़ पौधे ना अभी आगे आने वाले टाइम में, जैसे मार्च चल रहा है, ठीक है, जैसे जैसे आगे आप लोगों को आगे मानसून का पीरियड देखने को मिलेगा, गर्मी आ रही है, तो पेड़ जरूर लगाना जब भी आप लोगों को टाइम मिले, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट 3.6 किलोमीटर का और वाइड लगभग 8 लेन का देखने को मिलेगा जो अर्बन रोड टनल है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये एनसीआर वाले रीजन में पोल्यूशन कम करेगा और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ये नितिन गडकरी जी के अंडर में आती है। बाकी ये मैप भी इसका अगर आप लोग देखना चाहे तो इस तरीके से आप लोग यहां पर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये यहां से ऐसे ऐसे होता हुआ यहां पर, ये तो ये इस तरीके से देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। गुरुग्राम एक्सप्रेस वे हो गया, तो ये यहां पर आप लोग देखते हैं, ठीक है। द्वारिका एक्सप्रेस वे यहां पर भी आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैप नहीं रटना है, कोई नहीं पूछ रहा एग्जाम में, ठीक है। तो ये था आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा छोटा सा डिस्कशन जो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके बाद में फिर आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएंगे जिनका आंसर आप लोगों को देना है। वन लाइनर टाइप की न्यूज देखी हम लोगों ने, दो न्यूज आप लोगों यहां पर वन लाइनर टाइप की देखने को मिली, काफी अच्छे से आप लोगों ने इनको समझा, तो अच्छे से एंजॉय किया, ये चीजें देखी हम लोगों ने दोनों। फिर हम लोगों ने यहां पर जो बातें की इंटरनेशनल न्यूज में, हम लोगों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और जो इसराइल और पैलेस्टीन का मुद्दा जाना,
नेक्स्ट हम लोगों ने नेशनल न्यूज में आईटी रूल के बारे में बातें की, स्टेट न्यूज में मानस टाइगर रिजर्व के बारे में बात की, कस्टम वर्ल्ड जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन में हमारी कंट्री से रिलेटेड क्या चीजें हैं वो हम लोगों ने समझी। इसी के साथ में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने समझा, सर्वे और रिपोर्ट में रिपोर्ट ऑन हियरिंग के बारे में और बच्चों से रिलेटेड जो बातें हैं वो समझी, इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया और बांग्लादेश के बारे में समझा, ट्रांसपोर्ट में द्वारिका एक्सप्रेस वे के बारे में समझा और शानदार तरीके से लेक्चर सुना। अब क्वेश्चन के आंसर दो। बात की जा रही है रेड राइस के बारे में, कौन सी कंट्री को बेचे जा रहे हैं, हमारी कंट्री में कहां पर उगाया जाता है, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स तैयार किया जाता है, केवीएस के बारे में बात की जा रही है, फुल फॉर्म बताइए। इसी के साथ में आज के कितने केवीएस हैं ये भी बताइएगा, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसके बारे में बात की जा रही है, तो कौन सी कंट्री के खिलाफ यहां पर अभी चीजें देखने को मिलेगी, जिसने पैलेस्टीन का एरिया ऑक्युपाइड कर रखा है, हिमालयन सीरो कहां पर देखने को मिला और कहां पर ये लोकेटेड है, टाइगर रिजर्व, सीआरएलसी की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, इसके द्वारा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया जाता है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो क्विज है आप लोगों के सामने, अभी लोकसभा राज्यसभा टीवी को मर्ज किया गया एक पर्टिकुलर टीवी बनाने के लिए, ठीक है, ये इसका नाम आप लोगों को बताना है। बाकी रवि कपूर जो है नाम याद रखना, जिनको रवि चोपड़ा बोला था मैंने, अब तो याद भी हो गया होगा आप लोगों को, ये इसके नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं, ठीक है। तो कौन सा टीवी है बताना है ये। आर्मी के बारे में अगर बात करें आप लोग यहां पर, तो उसको 6000 न्यू लाइट मशीन गन दी गई अभी यहां पर, ये कहां से खरीदी जा रही है, कौन सी कंट्री यहां पर प्रोवाइड करा रही है, CERA, इसको बोलते हैं कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएटेड, जो है बेसिकली ये वीक ग्लोबल एनर्जी और इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड है, हमारी कंट्री की एक पर्सनैलिटी को मिला, इनका नाम बताइए आप लोग। कौन सा एडिशन है यहाँ पर, ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 का, ये यहाँ पर बेसिकली टेस्ला जो इलोन मस्क जो है यहाँ पर ये वर्ल्ड में सबसे अमीर आदमी बताए गए इसके द्वारा, और रिलायंस के जो मुकेश अंबानी साहब है ये इंडिया के सबसे अमीर आदमी है, ठीक है। इंडिया के बाद में कौन सी कंट्री है, और इंडिया से पहले कौन सी दो कंट्री है, एक तो यूएसए, और कौन सी सबसे अमीर कंट्री कैटेगरी में आ गई है जिसमें सबसे ज्यादा अमीर लोग पाए जाते हैं। हमारी कंट्री के बीच में जो मैत्री शक्ति और इसी के साथ में जो SLINEX ये एक्सरसाइज देखने को मिलती है कौन सी कंट्री के साथ में। फ्रीडम इन द वर्ल्ड जो रिपोर्ट 2021 है यहां पर, ये यहां पर किसके द्वारा तैयार की जाती है ये आप लोगों को बताना है। यूएसए बेस एक बॉडी है, ठीक है। इंडिया का स्टेटस जो है, इंडिया फ्री से कौन सी कैटेगरी में रख दी गई है। एक केस के बारे में बात की जा रही है जिसमें फंडामेंटल राइट बोला गया एजुकेशन को, जो डिटेल में डिस्कस की थी आर्टिकल 21 के तहत। काफी प्यारी प्यारी न्यूज थी यार, आई होप कि आप लोगों ने कल भी इनको एंजॉय किया होगा। अब रिविजन कर लेते हैं। संसद टीवी नाम दिया जा रहा है इसका, जो लोकसभा और राज्यसभा टीवी को अलग अलग टीवी थे मर्ज कर दिया गया। मर्ज करने का मतलब नहीं कि अब ये टीवी नहीं रहेंगे, टीवी रहेंगे यहां पर, दोनों अलग अलग काम करते रहेंगे, पर लेकिन जो कंपनी है जो बैनर रहेगा वो संसद टीवी का रहेगा, ठीक है। संसद टीवी के नाम के अंदर दोनों काम करेंगे, ठीक है। रवि कपूर जो है यहां पर बेसिकली इनके यहां पर अभी नए सबसे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहां पर बने हैं संसद टीवी के, ठीक है। कमेटी का नाम आप लोग बताइए जिसके द्वारा यहां पर रिकमेंड किया गया था, ये भी तो पूछा गया था आप लोगों से, तो सूर्य प्रकाश कमेटी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें इसराइल से हम लोग खरीद रहे हैं यहां पर, जिनका नाम है LMG, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को यह अवार्ड दिया गया जिसका नाम मैंने आप लोगों को बताया था, यह है यहां पर CERA वीक ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट जो लीडरशिप अवार्ड है। 10वां संस्करण यहां पर यह ह्यूरन ग्लोबल रिच जो लिस्ट है इसमें निकल कर आया, जिसमें इलोन मस्क टॉप वर्ल्ड में और अंबानी साहब इंडिया के अंदर टॉप है। इंडिया जो है यहां पर तीसरे नंबर पर है सबसे अमीर लोगों की कैटेगरी में, चाइना पहले नंबर पर और यूएसए दूसरे नंबर पर। श्रीलंका के साथ में एक्साइज है हमारी मैत्री शक्ति और SL यानी कि श्रीलंका, IN यानी कि इंडिया, EX यानी कि एक्साइज, ठीक है। ये भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 के हिसाब से बात करें तो हमारी कंट्री की जो रैंक है वो फ्री से पार्शियली फ्री, यानी कि पूरी फ्री नहीं है, और फ्रीडम हाउस के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। यहां पर बात की जा रही है उन्नी कृष्णा JP वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का यहां पर केस था, जिसमें एजुकेशन को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में डाला गया आर्टिकल 21 के तहत। आप लोग ये बताइए जो एजुकेशन है वो कौन सी लिस्ट में आता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो कैसा लगा लेक्चर, झक्कास की बकवास बताइएगा जरूर, आप लोग को अच्छा लगता है तो देखिए अच्छी चीजें शेयर करनी चाहिए हमेशा, होने के खुशियां बांटने से बढ़ती है, तो इसको जरूर लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप लोगों को इससे फायदा हो रहा है तो दूसरों तक भी जरूर शेयर कीजिए, PDF यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना और फीडबैक देकर जरूर जाया करो यार। अगर लाइक कीजिए पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक ठोकिए दबाकर, ठीक है, ताकि इसको सुधारा जा सके, और क्या सुधारना है वो जरूर बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।